हसन शाइका के एटीट्यूड से बहुत गुस्से में है। कल की लड़की पीछे पीछे बीवी की तरह घूमती थी, आज सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। ऊपर से सादिक से सुनता है कि शाइका आज रात मल्टीपल लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करेगी। हसन को तकलीफ होती है। सादिक कहता है आप बदला लो। हसन मना करता है तो सादिक कहता है तो तलाक मत लीजिए। हसन सोच में पड़ जाता है। इधर आयशा कॉफ़ी देते हुए रोती है। यिल्दिज़ पूछती है क्यों रो रही हो, मेरे कॉफ़ी में गिर रहा है आंसू। हमेशा नैनी आती है तो तुम रोती क्यों हो। आयशा कहती है मैं कितने दिन ये सब सहती रहूँ, मेरी भी कोई इज्जत है और फिर हाल चांद से भी मिल नहीं पाऊंगी मैं। वैसे भी ये नैनी थोड़ी अजीब किस्म की लग रही है, एतमाद के काबिल नहीं लगती। आसमा भी कहती है सही कहा, मुझे नज़र रखनी होगी उस पर। हसन से आलिया मिलती है और मायूसी का रीज़न पूछती है तो हसन कहता है कि एक कपल के बीच जो प्रॉब्लम्स होती है तलाक के वक्त वही हो रहा है। आलिया को हसन के मुँह से ये सुन के अजीब लगता है। वो हंसते हुए पूछती है कपल यानी आप लोग कपल कब थे। देखिए शायका आपको वापस पाने के लिए कोई बहाना दे रही है, मत पड़िए उसमें। हसन मायूस होकर कहता है कि कहाँ कुछ कर रही है, वो तो उल्टा खुश है एंजॉय कर रही है। आलिया समझ जाती है शायका का प्लान और हसन को कहती है कि कोई मुश्किल आए तो मुझे याद कीजिएगा। अच्छा हसन को असल में चाहिए क्या, शायका से बचता फिर रहा था, तलाक होने के बाद से खुश हो गया, अब शायका अफसोस नहीं कर रही है तो जलन हो रहा है पर तलाक भी देना है। यिल्दिज़ जुनैद के साथ बात कर रही होती है बहुत देर से फ़ोन पे। आखिर में जुनैद थोड़ा हेजिटेट करके कहता है कि मैं आज रात लेट आऊँगा क्योंकि एक मीटिंग है एक आदमी के साथ। यिल्दिज़ गुस्सा करने लगती है कि अब बता रहे हो और पूछताछ करने लगती है। जुनैद कहता है शक कर रही हो तुम। यिल्दिज़ पूछती है जगह कौन सी है तो जुनैद बताता है वही सेम रेस्टोरेंट। यिल्दिज़ फ़ोन रख कर परेशान हो जाती है लास्ट टाइम जानसू वाली बात की वजह से। आमिर और कुंवर आते हैं तो यिल्दिज़ डर जाती है, यानी उसे लगता है कि जुनैद एंजॉय कर रहा है और इनको यिल्दिज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेज दिया। वो पूरा किस्सा उन्हें सुनाती है। वो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे ही आए हैं तुमसे मिलने। वो लोग जुनैद को वीडियो कॉल करने कहते हैं तो वो करती है। जुनैद नहीं उठाता, वो एक औरत के साथ रेस्टोरेंट पर है, वो डेट पे नहीं है। बातें सुनकर लगता है कोई ऑफिशियल काम पे आया है पर कुछ काम होने की वजह से लेट से मीटिंग रखा है, कुछ कैटलॉग देख रहा है। उसी वक्त जानसू और उमर उस रेस्टोरेंट में आते हैं। जानसू तो डर जाती है और उमर को तो पता नहीं है जानसू की करतूतों का, इसलिए वो जब तक जुनैद के पास गया जानसू भाग गई पर वहीं कहीं छुपी हुई है। उमर जानसू को वहाँ ना देख के अकेले ही कहीं बैठ जाता है। तभी यिल्दिज़ अपनी टोली लेके वहाँ आ गई और लड़की को देख के तो पागल ही हो गई। उसको उमर देख के कहता है कि आज तो सीन बनेगा यहाँ। यिल्दिज़ जाके जुनैद पर चिल्लाने लगती है और एक नहीं सुनती, फिर उस लड़की को भी सुनाती है। वो लड़की हैरान हो जाती है। जानसू पीछे से सब देखती है और भाग जाती है। आखिर में जुनैद यिल्दिज़ को बताता है कि ये लेडी एक ज्वेलरी कंपनी की CEO है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता था पर समझ नहीं आया कौन सा गिफ्ट लूँ, इसलिए इनको बुलाया हेल्प करने के लिए चूज़ करने में। बस यिल्दिज़ एम्बेरेस्ड उस लेडी से पूछती है कैसी हो, वो कहती है बिल्कुल ठीक नहीं हो। जुनैद माफ़ी मांगता है। लास्ट में यिल्दिज़ अपना सिग्नेचर स्टेप लेती है बहाना बनाना, कहती है ये एक प्रैंक था, वो देखो कैमरा। वो लेडी चली जाती है वहाँ से। यिल्दिज़ माफ़ी मांगती है, कहती है पहले क्यों नहीं बताया, एक तो किसी आदमी के साथ मीटिंग का बताया, ऊपर से मैं आके देखती हूँ कि एक औरत लाल कपड़ों में। इधर जानसू टैक्सी से उमर को मैसेज कर देती है कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई इसलिए मुझे निकलना पड़ा। इधर उमर भी इस टोली में शामिल हो जाता है। यिल्दिज़ मनाती रहती है जुनैद को पर जुनैद नहीं मानता, सब निकल जाते हैं। गाड़ी में जुनैद को यिल्दिज़ मनाती रहती है और साथ देते हैं आमिर कुंवर। शायका को आलिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम हसन को जेलस कर रही हो, यानी आखिरी बार तुम मुझे हसन को वापस से तुम्हारी तरफ करने कह रही थी, अचानक तुम बेफिक्रे कैसे हो गई, क्या बात है। शायका उसकी बातों को घुमा देती है। आलिया हसन को शायका के जाल में किसी भी हाल में फंसने नहीं देना चाहती। अगली सुबह हसन शायका को बुला के कहते हैं कि मुझे फिर से शादी करनी है। शायका कहती है मुझे पता है मेरे बिना कोई नहीं रह पाता, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हसन कहते हैं तुमसे नहीं आलिया से। शायका शॉक्ड। एपिसोड एंड्स। बाय।